Hello and good morning, students. Today's chapter is weather, climate, and adaptations of animals to climate. Okay, we will discuss about the adaptations in red-eyed frog. Okay, red-eyed frog is very different from normal frog. Okay, because red-eyed frogs generally lives in trees. Okay, so red-eyed frog also lives in tropical rainforest region. Okay, so they have some body features, okay, which helps them to adapt in tropical rainforest. Okay, so let's discuss about the adaptations in red-eyed frog. What is red-eyed frog? Red-eyed frog is an organism, okay, of green colors. Okay, its eyes is red in color and bulges out. Okay, bulges out का कहने का मतलब क्या है कि इसकी आँखें जो होती है ना बाहर निकली हुई होती है. Okay, बाहर की ओर निकली हुई होती है इसकी आँखें. ठीक है, red color का आँख होता है और बाहर निकली हुई होती है. ठीक है, this means bulges out. Okay, so this frog is carnivorous animals. Okay, because this frog generally eats insects on the trees. Okay, now about its body features or about its adaptations. Okay, its first body features, sticky pads on its feet. Okay, it has sticky pads on its feet. ओके, इसके पैरों के पास स्टिकी पैड्स होता है. ओके, स्टिकी पैड्स कहने का मतलब क्या है कि अगर ये क्लाइंब करते हैं पेड़ पौधों को, ठीक है, तो क्लाइंब करते ये स्टिकी पैड्स क्या होता है, चिपक जाता है. यानी कि बहुत ही हेल्पफुल होता है ये पेड़ पौधे को क्लाइंब करने में. ठीक है, ये क्या होता है, गिरते नहीं है, ये चिपक जाते हैं पेड़ के डाली पर और अपने आप को आसानी से क्लाइंब कर लेते हैं. ओके, तो स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट, these features in red-eyed frogs helps them to climb the trees. Okay, अब next क्या है, red eye bulges out. Okay, so this frog is generally sleeps or rests in daytime and they catches their prey in night. Okay, तो ये क्या होता है कि ये frog क्या करते हैं कि night में अपना काम करते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं और दिन में ज़्यादातर ये सोते हैं. Okay, रेड आईड, अब मतलब कि ये कहने का मतलब क्या है कि रेड आईड जो है इनका कैसे हेल्प करता है, ठीक है, इनके एडेप्टेशन में. ओके, तो आप देखो रेड आईड बल्जेस आउट, कहने का मतलब क्या है कि ये जो है रेड आईड जो है बाहर निकला हुआ होता है. ओके, अगर कोई भी एनिमल्स इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, ठीक है, ये जब रेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम क्या होता है, उनकी आहट सुनकर ये अपने आँखों को तुरंत खोल लेते हैं. ओके, जैसे ही अपने आंखों को खोलेंगे वैसे इनका आंख जो है बहुत ही डरावना लगता है. ओके, जब ये डरावना लगता है तो इससे क्या होता है, प्रेडेटर्स डर जाते हैं, जो इनके शिकारी होते हैं वो डर जाते हैं और तब तक क्या होता है, ये फ्रॉग जो है जंप कर जाता है कहीं सेफ प्लेस पे. ओके, दिस रेड आई बल्जेस आउट, दिस रेड आई बल्जेस आउट हेल्प्स red-eyed frogs to protect themselves from their predators. ठीक है, this when this frog suddenly opens their eyes, okay, it frightens their predators. Okay, it frightens मतलब कि अपने predators को डरा देता है. Okay, तो bulges out में आप लोग क्या लिखोगे, red eye in red-eyed frogs helps it to protect themselves from predators. Okay, when they suddenly opens their eyes, okay, the predators frightens.
ओके, प्रेडेटर्स फ्राइटेंस और स्कैर्ड, डर जाते हैं, ओके, एंड दे जंप्स ऑन द सेफ प्लेस, ओके. सो द थर्ड वन इज ग्रीन कलर बॉडी, ओके. तो ग्रीन कलर बॉडी क्या होता है? बहुत ही आसान है, ओके. एक्चुअली ग्रीन कलर्स बॉडी हेल्प्स रेड आइड फ्रॉग्स टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम द जंगल बैकग्राउंड, ओके, या फ्रॉम द ट्रीज बैकग्राउंड, ओके. कहने का मतलब क्या है कि रेड आई के ग्रीन कलर की जो बॉडी होती है, ठीक है, वो क्या होता है कि पेड़ पौधों के बैकग्राउंड से मैच कर जाता है, ओके. पेड़ पौधों के कलर से मैच कर जाता है और ये अपने बॉडी को क्या करते हैं, पेड़ पौधों में ऐसे हाइड कर लेते हैं कि पता ही नहीं चल पाता है कि ग्रीन कलर का पत्ता कौन है, उनकी बॉडी कौन सी है, ओके. दिस हेल्प्स, दिस ग्रीन कलर हेल्प देम टू कैच देयर प्रे, ओके, बाय फॉक्सिंग देम, ठीक है. यानी कहने का मतलब क्या है कि ये अपने प्रे को, अपने शिकार को चकमा देकर क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, ओके. बिकॉज द ग्रीन कलर ऑफ रेड आइड फ्रॉग्स, ओके, मैचेस टू द बैकग्राउंड ऑफ ट्रीज, ओके, इट हेल्प्स देम टू कैचेस इट्स प्रे, ओके. सो दिस इज द थर्ड adaptation, okay. Next one is eyesight. Okay, eyesight. Now, what is the help of eyesight? Okay. तो आई साइड ऑफ रेड कलर्ड फ्रॉग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग आई साइड, दे कैन सी इवन इन नाइट, ओके, दे कैन सी क्लियरली इन नाइट, ओके, एंड कैचेस देयर प्रे इन द नाइट, ओके, एंड दे रेस्ट और स्लीप्स इन डे टाइम, ओके. तो आई साइट में क्या होता है, आई साइट कैसे हेल्प करता है? इट द आई साइट ऑफ रेड कलर्ड रेड आइड फ्रॉग, द आई साइट ऑफ रेड आइड फ्रॉग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके. इट हेल्प्स देम टू सी इन नाइट, ओके, इट हेल्प्स देम टू सी इन नाइट. सो रेड आइड फ्रॉग जनरली कैचेस देयर प्रे इन द नाइट, ओके. अब देखिए नेक्स्ट है आपका रेड आई फ्रॉग इज कार्निवोर, ओके. तो कार्निवोर है, कहने का मतलब क्या है कि जनरली रेड आइड फ्रॉग क्या होता है, कार्निवोर होते हैं. कहने का मतलब क्या है कि ये दूसरे जीव को खाने वाले होते हैं, ओके. ये ज़्यादातर कीड़े मकोड़े खाते हैं, दैट्स वाई दिस फ्रॉग इज नॉन एज कार्निवोर, ओके. दिस फ्रॉग डज नॉट ईट ग्रीन लीव्स एंड ग्रासेस, ओके. सो रेड आइड फ्रॉग इज कार्निवोर, ओके. दे कैचेस देयर प्रे in the night on the tree, okay. So this is the fifth adaptation in red eyed frog, okay. So I'm discussing one by one again, okay. Sticky patch on its feet, sticky patch helps them to climb on the tree, okay. Next, a green color body, red eyed bulges out, okay. Red eyed helps them to frighten their predators, okay. Predators ko darane ke liye use karte hain ye. नेक्स्ट है ग्रीन कलर्स अ बॉडी, ग्रीन कलर्स हेल्प देम टू हाइड देमसेल्फ इन द बैकग्राउंड ऑफ ट्रीज टू
कैचेस इट्स प्रे. ओके नेक्स्ट है आई साइट. इट हैज गुड स्ट्रॉन्ग आई साइट विच हेल्प देम टू सी इन नाइट. ओके नेक्स्ट है क्या, रेड आइड फ्रॉग फ्रॉग इज कार्निवोर्स. ठीक है, तो रेड आइड फ्रॉग क्या होता है, कार्निवोर्स होते हैं और ये जनरली क्या होते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. ओके सो आई होप कि आपको एडेप्टेशन से रेड आइड फ्रॉग क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन इन एडेप्टेशन इन टोकन्स. ओके तो टोकन्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी. So here is the next topic, that is adaptation in toucans. Okay, toucan is a type of birds. It belongs to parrot family. Okay, toucans क्या होता है, एक type के birds होते हैं जो कि parrots के family से belong करते हैं, यानी कि parrots के प्रजाति से ये आते हैं. Okay, तो toucans में adaptations कैसे होता है, this bird also lives in tropical rainforest region. Okay. So they have some specific body features which help them to adapt in tropical rainforest region. Okay. So सबसे पहला इनका body structure क्या है, that is long beak. यानी कि इनकी जो चोंच होती है वो बहुत ही लंबी होती है. Okay. Long beak helps them to catches their food. Okay. Which is unreachable also. ओके तो सबसे पहले क्या है कि ये अगर लंबी इसकी बिक होती है तो लंबी बिक से क्या होता है कि ये अनरिचेबल यानी कि दूर वाले भोजन को भी ये क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं आसानी से. ओके नेक्स्ट इज क्या है, बिक हेल्प्स टू स्टोर द फूड. ओके तो ये दूर वाले फूड को तो पकड़ ही लेते हैं आसानी से, और क्या करता है ये लंबी बीक होने के कारण क्या होता है, ये फूड को स्टोर भी कर लेते हैं बीक में. ओके यानी कि ये बीक का इनका दो फीचर्स हैं. ठीक है, एक तो क्या होता है, अनरिचेबल फूड को ये पकड़ लेते हैं, दे कैचेस अनरिचेबल फूड इजीली एंड द बीक ऑफ टोकन्स इज हेल्प्स टू स्टोर द फूड. ओके नेक्स्ट इज फिट स्ट्रक्चर्स. अब इनकी फिट स्ट्रक्चर्स ऐसी होती है कि ये अपने पैर पे क्या होता है, अपने पैरों से ग्रिपिंग बना लेते हैं. ओके यानी कि अच्छी ग्रिप बना लेते हैं और ये पैर पे क्या करता है, चल सकते हैं. ओके तो इट हैज क्या कह सकते हैं इसको, इट हैज वाइड क्लॉज. ओके एंड फोर टॉज इन ईच क्लॉज. ओके कहने का मतलब क्या है कि इनके जो पैर इनके फीट्स में क्या होता है, जैसे कि चार पैर होते हैं, दो आगे दो पीछे. ठीक है, एक क्लॉज के साथ चार पैर होते हैं, दो आगे दो पीछे. दिस टॉस हेल्प्स देम टू मेक गुड ग्रिप्स ऑन द ट्रेल्स. ओके यानी कि दो पैरों में इनके चार चार टोज होते हैं. ओके तो चार चार टोज क्या करते हैं, तो चार चार टोज जो है, फोर टोज. ओके यहां पे लिख देता हूं मैं, फोर टोज, टू फ्रंट साइड एंड टू बैक साइड. ओके तो क्या होता है कि फोर टोज होते हैं इनके पैरों में और ये फोर टोज क्या करते हैं, इट मेक्स गुड ग्रिप्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. ओके नेक्स्ट इज चेंजेस कलर ऑफ फीदर्स. ओके तो चेंजेस कलर, इट हैज कैपेसिटी या इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक फीचर्स टू चेंज द कलर ऑफ देयर फीदर. ओके अब देखिए बहुत ही स्पेसिफिक फीचर्स है इनके बॉडी की, दैट इज व्हाट, टू चेंजेस द कलर ऑफ फीदर्स. इनके पंख का कलर जो है अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड ऑफ जंगल्स दे कैन चेंज देयर फीदर्स कलर. ओके तो जैसे कि ग्रीन कलर्स का पेड़ पे है ये, तो ग्रीन कलर्स के फीदर्स अपने आप में ये क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे. ओके द फीदर्स ऑफ द चेंजिंग फीचर्स ऑफ फीदर इन टोकन्स हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम प्रीडेटर्स. ओके प्रीडेटर्स यानी कहने का मतलब क्या है, इनके इनेमी से, इनके दुश्मन से क्या करते हैं वो
चेंजिंग कलर जो इनमें स्पेसिफिक फीचर्स होती है, चेंजिंग कलर ऑफ फीदर्स, उससे क्या होता है ये अपने आप को बैकग्राउंड से मैच करवा लेते हैं और क्या कहता है कि इनके शिकारी जो होते हैं वो इनका शिकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पाता है कि पेड़ पौधे कौन से हैं, ये जानवर कौन सा है। ओके तो इसलिए क्या होता है कि चेंजिंग फीदर्स फीचर्स हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स। ओके सो दिस इज द थ्री एडेप्टेशन इन टोकन्स। ओके सो आई होप कि आपको एडेप्टेशन इन रेड आई फ्रॉग्स एंड एडेप्टेशन इन टोकन समझ में आ गया होगा। ओके टुमोरो इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर दैट विल बी एडेप्टेशन इन मंकी। ओके सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ओके एंड डिस्क्राइब इट इन योर नोटबुक। ओके डिस्क्राइब इट फीचर्स इन योर नोटबुक वन बाय वन।